Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome online classes. And here I am your English teacher. Now from today, new session is going to be started. So warmly welcome to all of you for new session. Students, today our first lecture about alphabets. Do you know about alphabets? Yes. Okay. These letters A to Z make up alphabets. Okay students, now this is our English workbook. Open planner, page number 8, and mark the cross in front of week number 1 and mark numbers 1, 2, 3, 4 like this, and in front of 1 mark today's date 16/3 and 2 slashes. Now open page number 31 and mark today's date 16 March 2021 and today's day Tuesday. Students, question number 1, answer these questions about the letters. First one, what is the sixth letter? Students, now count with me. A first, second B, C third, fourth one D, fifth E and sixth one F. So which is the letter? F. Sixth letter is F. Right here F. Next is, what comes before G? Before means G से पहले क्या आ रहा है? तो मुझे बताएं, आए हम लोग अल्फाबेट्स चेक करते हैं. This one G. अब आप इसे before means पहले देखें. अब कौन सा लेटर आ रहा है? F. So write again F here. Okay students, next one, which letter comes after? Up P. तो देखिए, अब P के बाद कौन सा लेटर आ रहा है? After की बात हो रही है. तो ये देखिए हमारा अल्फाबेट्स है, उसमें आप ये देख रहे हैं P है. तो उसके बाद देखिए कौन सा लेटर आ रहा है बाद में? Yes, Q. So write here Q. Next one, what comes after D? ये अब D के बाद क्या आ रहा है? Again हम लोग अल्फाबेट्स पे आएंगे. ये देखिए D लिखा हुआ है, तो बताएं मुझे D के बाद क्या आ रहा है? E. So write here E. Writing should be neat and clean. Last one is, what comes between S and U? Between means कि S और U के center में क्या आ रहा है? तो हम again अपने alphabet check करेंगे. ये रहा S और U. अब देखिए इनके center में कौन सा word आया है? Yes, T आया है हमारे पास letter. So write here T. Friends, start B part, fill in the missing letters. ये देख रहे हैं आप A, B, C, D. आगे आगे हमारे पास space आ गई है, two spaces हैं, then G. अब हम लोगों ने देखा है कि D के बाद क्या आता है. तो आए एक बार हम लोग फिर अपने alphabets को देखते हैं कि हमारे पास D के बाद क्या आ रहा है. D के बाद हमारे पास आ रहा है E. तो next letter E के बाद क्या है? D के बाद क्या आएगा? E. नेक्स्ट ई के बाद क्या आता है? एफ. देन जी. सेकंड स्टार्ट करते हैं ऑर्डर के एल एम एन. तो अब स्टूडेंट्स आप बताएं मुझे एन के बाद क्या आता है? यस गुड स्टूडेंट्स, एन के बाद आता है ओ. नेक्स्ट पर पी. अब थर्ड ऑर्डर में चेक करते हैं पी यू वी डब्ल्यू. तो स्टूडेंट्स अब आप मुझे बताएं डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? गुड स्टूडेंट्स एक्स. एक्स के बाद नेक्स्ट लेटर. नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट पार्ट सी. प्लेस द लेटर्स बिलो इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. स्टूडेंट्स ये अब आप फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं, इनमें आप देखें एन एम एल ओ पी के. क्या आपको लगता है कि ये एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं? नो गुड स्टूडेंट्स, अब हम इनको वन सीक्वेंस में लिखेंगे.
देखेंगे। अब हम देखें इनमें सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है, चेक करें जरा सब लोग मेरे साथ मिलके। गुड स्टूडेंट्स, क्या आएगा यहाँ पे सबसे पहले? के, टिक द के एंड राइट हियर के। नेक्स्ट वन एल, देन एम, इसके नेक्स्ट एन, ओ, टी। अब आप ये देख रहे हैं कि सारा अब हम लोगों ने ये वाला ऑर्डर एक सीक्वेंस पे लिख लिया है। अब सेकंड वन चेक करते हैं हम लोग, देखिए आई जे एल के ए जी। तो आप स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं इसमें फर्स्ट वन कौन सा आएगा? यस गुड स्टूडेंट्स, इसमें आएगा फर्स्ट वन जी। सो राइट हियर जी, जी के बाद चेक करें अब कौन सा आ रहा है। जी के बाद आता है एच, जी एच। नेक्स्ट वन जे, एच के बाद आता है आई, एच आई। नेक्स्ट जे, नेक्स्ट वन के, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास एल। अब लास्ट वन हम चेक करेंगे। अब आप देखिए स्टूडेंट्स इसमें मुझे बताएं सबसे पहले कौन सा आ रहा है। टी है हमारे पास, एस पी क्यू आर ओ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें अब सबसे पहले कौन सा आएगा। यस ओ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ओ, देन आप देखिए यस पी, नेक्स्ट क्यू, आगे देखिए हमारे पास बचा टी एस आर। तो क्यू के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? आर। गुड स्टूडेंट्स, आर, आर के बाद हमारे पास आएगा एस, एंड लास्ट वन टी। स्टूडेंट्स राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओपन वर्कबुक पेज नंबर 32 एंड राइट टुडेज डेट एंड डेट ट्यूसडे एंड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। राइट दीज नाउन्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। व्हाट आर नाउन्स स्टूडेंट्स? ओके, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स लाइक कैट, अली, सना, दीज आर नाउन्स। नाउ these words write in alphabetic order. Students, check first letter of this word like this, D, ox, ka, o, and write in alphabetic order. अब check करें कि इनमें से सबसे पहले कौन सा ऐसा letter है जो कि alphabetic order में पहले आता है। तो देखें ये D, O, F, C, yes, C. So pick here and write the cat below the deer. C A T, cat. Next check these words. Yes, deer. Pick here and write the deer. Remaining two words check it. Fox, yes. D के बाद F आता है तो fox, fox के नीचे हम लोग fox ही लिखेंगे। And last one is ox. Students, remaining order solve by yourself. Next is write this alphabetic order according to second letter. Means कि आप इसमें जो first वाला letter है उसको skip करेंगे और सेकंड वाले आप चेक करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं कि सब के नीचे ए वैसे का वैसे ही हम लोग लिख लेते हैं। ए, देन अब हम इनके सेकंड वाले लेटर्स चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स चेक करें इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है। डी, अल्फाबेटिक में सबसे पहले क्या आ रहा है? डी। सो राइट हियर डी। डी के बाद चेक करें अब क्या आ रहा है? जे। टिक द जे एंड राइट हियर जे बिलो द ए डी। नेक्स्ट वर्ड इज एन।
हमारे पास अब जाएंगे एस और जेड, बताएं मुझे इसमें से सबसे पहले कौन सा आता है? गुड स्टूडेंट्स, एस आएगा, नेक्स्ट हम लिखेंगे एस और लास्ट वन जेड. स्टूडेंट्स, रिमेनिंग ऑर्डर